दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, एयरटेल का सिम कार्ड बंद कैसे करें 2023। यदि आपका सिम कार्ड खो जाता है, यदि कोई आपके साथ सिम कार्ड आपका आपके आईडी का ले लेता है और आपको लगता है कि वो हमारे सिम कार्ड से मिसयूज करेगा, उस कंडीशंस में एयरटेल का सिम कार्ड बंद करवाने का 2 से 3 तरीका होता है जो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। उस कंडीशंस में यदि आपका सिम कार्ड खो जाता है तो तुरंत ही उस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, आपको उस कंडीशंस में तुरंत ही अपने कस्टमर केयर से कॉल करना चाहिए और उस सिम कार्ड की सर्विसेज बंद हो जाती है। उस सिम कार्ड की सर्विसेज का मतलब उस सिम कार्ड का ना ही कोई इनकमिंग आउटगोइंग कॉल आ पाता है, जा पाता है, ना ही उसका कोई एसएमएस आ पाता है, जिसकी वजह से आपका कोई भी फ्रॉड होने से बच जाता है क्योंकि आपकी ओटीपी झंझट खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशंस में एयरटेल कस्टमर केयर से तुरंत बात करना पड़ेगा आपको। उसका नंबर मैं आपको दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है। नहीं बात करना आएगा तो पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है कि अब वो सिम कार्ड से आपने बंद करवाया, आपका आउटगोइंग इनकमिंग सर्विसेज बंद हो गया सब, उस कंडीशन में अब वो नंबर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। उस कंडीशन में खोया हुआ नंबर आपको बंद करवाने का तरीका हो गया, निकलवाने का तरीका, नज़दीकी आप एयरटेल स्टोर पर जाकर उस नंबर को अपने आईडी से निकलवा सकते हैं। यदि आपके आईडी पे है तभी वो सिम कार्ड की सेवाएं बंद होगी, क्योंकि आपका डाटा पूछा जाता है और आपके आईडी का सिम कार्ड है तभी निकाल पाएंगे। नंबर दूसरी कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आपका सिम कार्ड कोई मिसयूज कर रहा है उस कंडीशंस में भी आपको यही सुविधा अपनानी पड़ेगी। पूरी तरीके से कस्टमर केयर आपके नंबर को नहीं बंद कर पाता है, आपको बात को ध्यान से रखना चाहिए। एयरटेल कस्टमर केयर केवल आपके इनकमिंग आउटगोइंग एसएमएस को बंद करता है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और आपकी कॉल्स को बंद करता है जिससे प्रॉब्लम ना हो, फ्रॉड ना हो आपके डाटा बताने के बाद ही। उस कंडीशन में यदि आपको नंबर चाहिए, निकलवाना चाहते हैं, तो नंबर निकलवाने का प्रोसेस दुकान से ही होगा। दोनों कंडीशंस में एयरटेल का सिम कार्ड बंद करवाने के यही चांस है। हाँ, एक और चांस है, जैसे कि आपने कस्टमर केयर से, नंबर वन पहला काम कस्टमर केयर से बंद करवाइएगा उसका जो है सर्विसेज, उसके बाद आप उस नंबर को अपने आईडी से निकलवा लेते हैं नज़दीकी दुकान पर जाकर, तो वो सिम कार्ड जो आपका पुराना सिम कार्ड है वो वहाँ से बंद कर दिया जाता है और जो आपने निकलवाया वो सिम कार्ड चालू हो जाता है। तो आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे कि मेरा जो मिसयूज हो रहा है वो सिम कार्ड बंद हो गया, हमारे पास मिल गया, और आप खोए हुए सिम कार्ड को भी बंद करवा सकते हैं, वही नंबर निकलवा लेंगे तो वहाँ से बंद हो जाएगा। बस यही तरीका अपनाना पड़ता है, ये बहुत ही नया तरीका, अच्छा तरीका है। तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।